फिल्म छपाक की कहानी एक रियल किरदार पे आधारित है जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। उनके साथ और भी दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम लक्ष्मी अग्रवाल, रितु सैनी, जीतू शर्मा, कुंती देवी एंड बाला प्रजापति। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी आप यहाँ बैठी आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबने एक मिसाल कायम की है लक्ष्मी, इतनी बहादुरी और जो लड़ने का जज्बा है आपके अंदर, तो उसके लिए तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि बहुत सब लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये कब आपके दिमाग में आया कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है और मुझे चुप नहीं बैठना है। कब आया लक्ष्मी आपके दिमाग में? थैंक यू कपिल, थैंक यू मेघना मैम, थैंक यू दीपिका, ऑल सर्वाइवर्स। काफ़ी अच्छा लगता है आपका शो देख के। थैंक यू। आई एम सो ग्लैड कि आज हम सब लोग कपिल शर्मा के शो में हैं। हमें बहुत खुशी आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, तो उस वक्त में क्योंकि सोसाइटी बहुत बहुत पेन देती है, अटैकर वन टाइम अटैक करता है पर सोसाइटी एवरी टाइम अटैक करती है, एवरी मोमेंट अटैक करती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे आके, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको सच में सारी चीज़ें पता चलेगी कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस वक्त में पूछा गया कि लक्ष्मी क्या सोचती हो तेजाब के बारे में, तो मैंने कहा कि तेजाब बिकना नहीं बंद हो सकता है क्या? जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो तेजाब क्यों नहीं बैन हो सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला एसिड को बैन करने के लिए, और उस वक्त में वो फर्स्ट कदम था। उस वक्त में शिरीन आंटी मेरी लॉयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ रहे थे, मैं अपने आप को बहुत लक्की मानती हूँ कि मेरी बहुत कम सर्जरीज हुई है, वरना इन लोगों की बहुत ज़्यादा सर्जरीज हुई है। एक एक लड़की के 80-80, 90-90 ऑपरेशंस होते हैं और बहुत पेनफुल होता है, और पता नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। हमें हमेशा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारा सब कुछ है, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। So true. उनकी जो हिम्मत थी आज वो मेरे अंदर है, और आज आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। We're so proud of you, लक्ष्मी। Thank you. आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और जो लक्ष्मी ने अभी बातें बताई, वाकई हमारे दो मुंह ही जिसको हम लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी है, जैसे लक्ष्मी ने ये कहा। और अपराधी सिर्फ वो ही नहीं है जिन्होंने ये घटिया काम किया है, बल्कि अपराधी वो भी हैं जो शायद इस तरह की बातें करके उनको और आप Actually, अगर देखा जाए तेजाब हमारे दिमाग में है, तो हमें अपने दिमाग से तेजाब को निकालने की जरूरत है। जो लोगों के जो दिमाग में है कि उसने ये सोचा कि ये चार दीवारी में कैद रहेगी, ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं, आज हम सब कहते हैं कि हम तेरी नहीं, हम पूरी दुनिया के हैं। क्या बात है, वाह। और आज आप हमारे साथ हैं, दीपिका हमारे साथ है, मेघना मैम हमारे साथ है, तो
तो और एक्चुअल में जो आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि हिम्मत कहाँ से आती है, आज मैं क्लियरली एक बात बोलना चाहती हूँ, हिम्मत यहाँ से आती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी यू आर ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू मेघना मैम कि एक्चुअली मैं अगर आज आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद ये स्टोरी और ये पेन कभी बाहर नहीं आ पाते। थैंक यू। कपिल, हम बोथ दीपिका एंड मेरा तजुर्बा ये रहा है इस फिल्म के दौरान, लक्ष्मी से मैं मिली 4 साल पहले, फिल्म के दौरान इनसे मिली हूँ, मुझे एक्चुअली हम पे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है ना वो इनकी स्पिरिट का पड़ा है एक्चुअली। और इनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया का जी, मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है इन सब से। मतलब अभी ये यहाँ पे खामोश बैठी हैं। नहीं नहीं अभी मतलब ये बिल्कुल ऐसी खामोश और चुपचाप सहनी हुई लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैंने पूछा नहीं, लक्ष्मी से तो पहले मुलाकात हुई थी लेकिन आप सबसे पहली बार मुलाकात हो रही। आप पैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से शहर से? सबसे ज्यादा बोलती है, ये तीन चुप बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं। मैं है जो सबसे ज्यादा। आप हरियाणा से? ओके। और आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। माइक पकड़ो। और आप? मैं बिजनौर से। यूपी? बिजनौर से। मैं अलीगढ़। अलीगढ़ से। अच्छा, मैंने न्यूज में सुना था कि आपने एक कैफे शुरू किया है, तो वो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, अच्छा लगेगा उनको सुन के। हमने ये कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन है जो छाव फाउंडेशन है वो 2012-2013 में उस पे बात करना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद ना सब लड़कियों की प्रॉब्लम थी ना कि इतना स्टडी नहीं है, किसी का 8th स्टैंडर्ड, किसी का 10th, किसी का 12th, एक दो लड़कियों होगा जिसने ग्रेजुएशन किया है, तो सबसे पूछते थे क्या चाहिए, जॉब करना है, प्राइवेट कंपनी तो जॉब नहीं देती है, मतलब उसको फेस इम्पोर्टेंट है पहले। उसके बाद तो फिर ये प्लान आया कि क्यों ना कैफे ओपन किया जाए जिसमें सर्वाइवर्स जॉब करती है, और उस कैफे का नाम है शी हीरोज, लड़की भी हीरो है। है बिल्कुल। स्टार्टिंग का 1 ईयर बहुत ज्यादा मुश्किल था हम लोगों के लिए, कोई मतलब ऐसा एक लड़का और लड़की आई तो लड़की बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी कैफे के अंदर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देख के। कोई लड़का बोलता था मुझे नहीं जाना है, तो मतलब 1 साल लगा मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में कि हम लोगों के मतलब किसी के हाथ पे बर्न हुआ है तो वो खाना सर्व करेगा तो क्या होगा। बट मतलब हम इसलिए सर्व करते हैं, क्या हम ये नहीं समझते कि वेटर है वो, इसलिए सर्व करते हैं हम कि हम कितना प्यार से किसी को खाना खिला पाएंगे, कितना प्यार दे पाएंगे उसमें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लक्ष्मी, रितु, जीतू, कुंती एंड बाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए। आइए 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 आइए। मेघना जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये जो स्टोरी छपाक जो है लक्ष्मी की स्टोरी दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, और बहुत बदलाव जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म के बाद हमारी सोसाइटी में आएगा। दीपिका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बहुत देर बाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपिका के लिए।